हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि यूनिट 5 से बिलोंग करता है और वो चैप्टर है 16, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डाइजेशन है क्या। तो उसकी पहले हम डिफिनीशन देखते हैं। डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स लार्ज एंड नॉन डिफ्यूजिबल फूड पार्टिकल इनटू दियर रिस्पेक्टिव स्मॉलर डिफ्यूजिबल एंड सिंपलर फॉर्म इन दी एलिमेंट्री कैनाल विद दी हेल्प ऑफ हाइड्रोलेजेस एंजाइम्स। दिस इज अ डिफिनीशन ऑफ डाइजेशन। तो किसको ब्रेक डाउन किया जाता है इसमें? दैट इज, आप जानते होंगे, दैट इज फूड। तो फूड क्या है? एनी सब्सटेंस व्हिच प्रोवाइड्स व्हिच कंज्यूम्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर दी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, वो फूड है। लेकिन कोई भी सब्सटेंस नहीं, भाई डंग बीटल जो होती है वो, उसके लिए फूड क्या होता है? डंग होता है। तो क्या सभी के लिए फूड क्या डंग होगा? क्योंकि वो भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। फूड एनर्जी प्रोवाइड करने के साथ साथ पैलेटेबल भी होना चाहिए, डिलीशियस भी होना चाहिए, टेस्टी भी होना चाहिए। ऐसे सब्सटेंस को हम फूड बोलते हैं। जानते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पर इसका डिस्कशन नहीं करेंगे, हमने सिंपली देखा फूड क्या है और डाइजेशन क्या है। अब हम देख लेते हैं कि फूड के पार्ट कितने हैं, हाउ मैनी पार्ट्स इन दी फूड। तो फूड के 6 पार्ट होते हैं। बेसिकली फूड को हम 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज, फर्स्ट पार्ट है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट एंड सेकेंड पार्ट है फैट, थर्ड पार्ट है लिपिड, फोर्थ पार्ट है वाटर, फिफ्थ पार्ट है मिनरल्स, सिक्स्थ पार्ट है, जो छठा पार्ट है दैट इज विटामिन। फूड के कितने पार्ट हैं? 6 पोर्शन होते हैं, 6 पार्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन। लेकिन इनमें से आउट ऑफ 6 पार्ट, इनमें से केवल 3 पार्ट का ही डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, एलिमेंट्री कैनाल में होता है, क्योंकि यही लार्जर पार्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड लिपिड, और इन्हीं से एनर्जी मिलती है। और वाटर, मिनरल और विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन डाइजेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए ये पोर्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल एंड इट हैज 6 मेन पार्ट। एलिमेंट्री कैनाल को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एंड एलिमेंट्री कैनाल एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू अनस। कहाँ से कहाँ तक फैली होती है? माउथ से अनस तक फैली होती है, और लगभग ये 8 to 10 मीटर लॉन्ग होती है। याद रखना, कितनी लॉन्ग होती है? 8 to 10 मीटर लॉन्ग होती है। डिफरेंस बुक्स में किसी में 8 मीटर है, किसी में 8.5 है, किसी में 10 है, किसी में 9, लेकिन एवरेज लेंथ इसकी कितनी होती है? 8 to 10 हम इसको कह सकते हैं। तो इसके 6 पोर्शन होते हैं। तो वन बाय वन हम देखते हैं कौन कौन से पोर्शन होते हैं। जो पहला पोर्शन है, आप देख सकते हो खुद को, अपने आप को, ह्यूमन बींग को, जो फर्स्ट पोर्शन होता है एलिमेंट्री कैनाल का, दैट इज माउथ एंड बकल कैविटी। कौन सा पोर्शन होता है? फर्स्ट पोर्शन है एलिमेंट्री कैनाल का माउथ एंड
बकल कैप्टी, इट इज अ फर्स्ट पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एंड सेकेंड पोर्शन कौन सा होता है? दैट इज फेरिंग्स। जो थर्ड पोर्शन होता है एलिमेंट्री कैनाल का, दैट इज ईसोफेगस। याद रखना है आपको ईसोफेगस। और जो फोर्थ पोर्शन होता है दैट इज स्टमक। फिफ्थ जो पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो लास्ट पोर्शन है दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन, इसको भी फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, सीकम कोलोन एंड रेक्टम। और उसको स्मॉल इंटेस्टाइन को दैट इज ड्यूडेनम जेजुनम एंड इलियम। तो स्टूडेंट्स पहले फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट वन बाय वन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले माउथ एंड बकल कैविटी के बारे में डिस्कशन करते हैं। फूड के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो यहाँ डायग्राम में आप देख रहे होंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बना हुआ है। जो पहला पार्ट है दैट इज माउथ, व्हिच इज सराउंडेड बाय टू लिप्स, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स, और एक स्लिट लाइक अपर्चर होता है जो कि किसमें ओपन होता है? बकल कैविटी में। तो दो लिप्स से ढका हुआ, दो लिप्स से सराउंडेड माउथ होता है। तो आप देख रहे हैं दिस इज माउथ, और इसके अंदर माउथ जिस कैविटी में ओपन होता है उसको हम कहते हैं दैट इज बकल कैविटी। इसको फर्दर हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इसको और ज़्यादा देखें तो बकल कैविटी को हम फर्दर थ्री पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसके तीन पोर्शन होते हैं। तो कौन कौन से बकल कैविटी के पोर्शन होते हैं? फर्स्ट जो पोर्शन है दैट इज टंग। फर्स्ट जो पोर्शन है दैट इज टंग। तो टंग के बारे में हम जान लेते हैं। टंग क्या है? इट इज अ फ्लेसी मस्कुलर एंड फ्लेपी लाइक स्ट्रक्चर। ये मस्कुलर होता है, मांसल होता है और सेंसिटिव आर्गन होता है। बकल कैविटी का सेंसिटिव आर्गन कौन सा है? टंग होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो टंग का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले दिस इज टंग। तो टंग को दो पार्ट में डिवाइड करने वाला जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं सल्कस टर्मिनेलिस। किस पोर्शन को हम बोलते हैं जो दो पार्ट में टंग को डिवाइड कर सकता है? दैट इज सल्कस टर्मिनेलिस। ये वी शेप्ड होता है और इसमें जो टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज सर्कमवेलेट। ध्यान रखना, टेस्ट बर्ड माउथ टंग में तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो पोर्शन है जो टेस्ट बर्ड्स का है दैट इज फंजी फॉर्म पैपिली। फंजी फॉर्म पैपिला, या फिर हम इसको पैपिली प्रोनाउंस कर सकते हैं। जो सेकेंड पोर्शन है दैट इज फिली फॉर्म पैपिली या पैपिला। और जो थर्ड आपका जो पैपिला है जिसको हम सरकम वेलेट पैपिला कहते हैं, यहाँ पर जो वेलेट पैपिला है दैट इज सरकम वेलेट पैपिला, या फिर हम इसको पैपिली कहते हैं। जो फंजी फार्म पैपिला होता है इसका शेप मशरूम शेप का होता है, इसलिए फंगस से टर्म लिया गया फंजी फार्म, और इसमें टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। किस टाइप का होता है, किस शेप का होता है? मशरूम शेप का होता है। और ये टिप पर मार्जिन्स पर प्रेजेंट होते हैं, और इनका कलर कैसा होता है? रेड कलर के डॉट्स होते हैं।
दूसरा जो पोर्शन होता है डेट इज फिलीफॉर्म, यहाँ पर ध्यान रखना फिलीफॉर्म में टेस्ट बर्ड्स एब्सेंट होते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है टेस्ट बर्ड्स किस में एब्सेंट होते हैं, दैट इज फिलीफॉर्म पैपिला। टेस्ट बर्ड्स किस में एब्सेंट होते हैं, फिलीफॉर्म पैपिला में एब्सेंट होते हैं। और जो सबसे लार्जेस्ट टेस्ट बर्ड या जो सबसे लार्जेस्ट पैपिला होते हैं दैट इज सरकम वेलेट पैपिला, ये भी टेस्ट बर्ड्स हैं, इनमें भी टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। टेस्ट का जो है सेंसेशन जो है ब्रेन तक पहुंचाने का काम यही पैपिला करते हैं। सर्कमवेलेट जो सल्कस टर्मिनलिस है इसके कारण टंग को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, जो आगे का जो इंटीरियर पोर्शन होता है ये ज़्यादा होता है, इट इज अ टू थर्ड पार्ट ऑफ द टंग, टू थर्ड पार्ट ऑफ द टंग। और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ये कितना होता है, दैट इज पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ फेरेंजियल पोर्शन ऑफ द टंग, कितना पोर्शन होता है वन थर्ड पोर्शन। और टेस्ट आप लोग जानते हो कितने टाइप के होते हैं, फोर टाइप के होते हैं, दैट इज स्वीट बिटर जिसको हम सोर साल्टी। तो जो स्वीट टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती बिल्कुल टिप पर, यहाँ पर स्वीट टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती, लास्ट में सर्कमवेलेट के पास यहाँ पर जो है बिटर टेस्ट बर्ड्स जो है प्रेजेंट होती है। और स्वीट टेस्ट बर्ड्स के ठीक पीछे जस्ट बिहाइंड कौन सी पैपिला प्रेजेंट होती हैं, दैट इज साल्टी। और मार्जिन्स पर यहाँ पर सोर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। तो टेस्ट कितने टाइप का होता है, फोर टाइप का, स्वीट साल्टी बिटर एंड सोर। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द टंग। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना, टंग का जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है वो हायोइड बोन से अटैच होता है, जिसे हम टंग बोन भी कहते हैं और हायोइड बोन भी कहते हैं। ये जो पोर्शन होता है फेरेंजियल पोर्शन में हायोइड बोन से अटैच होता है। तो फ्रेनुलम मेम्ब्रेन के बारे में हम बात कर चुके हैं, आगे हम बात करते हैं कि टंग में जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं दैट इज एक्सट्रिंसिक मसल्स एंड इंट्रिंसिक मसल्स, इनका कुछ काम होता है। और ये काम क्या होता है, फर्स्ट काम जो फर्स्ट फंक्शन है एक्सट्रिंसिक मसल का वो क्या होता है, इट हेल्प्स इन दी इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ दी टंग। टंग को अंदर और बाहर मूवमेंट में हेल्प कौन सी मसल करवाती है, दैट इज एक्सट्रिंसिक, याद रखना है एक्सट्रिंसिक मसल। और इंट्रिंसिक मसल का फंक्शन क्या होता है, इंट्रिंसिक ये टंग के शेप को चेंज करने में हेल्प करती है, इट हेल्प्स इन दी चेंज ऑफ दी शेप ऑफ दी टंग, इंट्रिंसिक मसल। तो दो टाइप की मसल है, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मसल। नेक्स्ट मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दी ओरल कैविटी, ओरल कैविटी या फिर हम उसको क्या कहते हैं, बकल कैविटी। तो नेक्स्ट जो पोर्शन है दैट इज टीथ, तो आप लोग जानते होंगे टीथ के बारे में, ये भी जानते होंगे कि नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं ह्यूमन बीइंग में, 32, लेकिन कुछ इनकी स्पेशलिटी भी होती है, नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं 32। और ये फोर टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स, कितने टाइप के होते हैं, फोर टाइप्स के, टीथ कितने टाइप के होते हैं, फोर टाइप्स के। फर्स्ट दैट इज इंसाइजर, सेकेंड कैनाइन, थर्ड प्री मोलर, फोर्थ मोलर। तो चार टाइप के टीथ होते हैं। देखो तो चाइल्ड में और एडल्ट में नंबर ऑफ टीथ वेरी करते हैं, चाइल्ड में नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं स्टूडेंट, कितने होते हैं ध्यान रखिए, चाइल्ड में कितने होते हैं 20 टीथ होते हैं, और इनको हम मिल्क टीथ भी कहते हैं, इनको और हम क्या कहते हैं, मिल्क टीथ, ये आपको याद रखना, या फिर हम इनको क्या बोलते हैं, डेसीडुअस टीथ, क्योंकि ये बाद में गिर जाते हैं, इसलिए इनको हम डेसीडुअस या फिर मिल्क टीथ कहते हैं। तो इन कितने टाइप के, कितने टीथ होते हैं, 20 होते हैं।
और कितने टाइप के होते हैं चाइल्ड में, 3 टाइप के होते हैं। इनमें प्री मोलर टीथ अब्सेंट होते हैं। चूँकि ध्यान रखना चाइल्ड में कौन से टीथ अब्सेंट होते हैं, दैट इज प्री मोलर टीथ। तो अभी हम डेंटल फार्मूला भी देखेंगे और टाइप जो टीथ की स्पेशलिटी है वो भी देखेंगे। और जो एडल्ट में जो टीथ होते हैं 32 हमने बताया था, इनको हम परमानेंट टीथ भी कहते हैं क्योंकि ये फिर लाइफ टाइम जो है प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज परमानेंट टीथ। कुछ टर्म देख लेते हैं जो टीथ से रिलेटेड होते हैं। जैसे जो फर्स्ट टर्म है इसको हम क्या बोलते हैं, डाइफियोडोंट। डाइफियोडोंट मतलब टीथ अपीयर इन ट्विस्ट इन दी लाइफ टाइम। दो बार जो है ये क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, इसलिए इस टर्म को हम यूज करते हैं, दैट इज डाइफियोडोंट। जीवन काल में, ह्यूमन बींग के जीवन काल में कितने टाइम टीथ ओरिजिनेट होते हैं, 2 टाइम। फर्स्ट मिल्क टीथ और सेकेंड क्या है, परमानेंट टीथ। और जो सेकेंड स्पेशलिटी है दैट इज थीकोडोंट, उसको हम क्या कहते हैं, थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब क्या है, जो टीथ होते हैं वो सॉकेट बोन में या जा की बोन में क्या होते हैं, अटैच होते हैं, जा की बोन में धसे हुए होते हैं, इसलिए इस टर्म को हम यूज करते हैं, दैट इज थीकोडोंट। तो डाइफियोडोंट, थीकोडोंट, एक और टर्म है दैट इज हेट्रोडोंट। क्योंकि 4 डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं, इनका फंक्शन भी अलग अलग होता है, इसलिए डिफरेंट टाइप के हो जाते हैं, तो इसलिए हम इस टर्म को क्या, इसको हम क्या टर्म देते हैं, हेट्रोडोंट। इसका मतलब है कि टीथ 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, इसलिए इस टर्म को हम यूज करते हैं हेट्रोडोंट। ये आप ध्यान रखेंगे। टीथ में ये तो आपको पता ही होगा, 3 पोर्शन होते हैं, नेक होता है, रूट होती है, और जो क्राउन होता है, टिप पोर्शन। टीथ का जो सबसे हार्डेस्ट पोर्शन टीथ का ही नहीं, ह्यूमन बीइंग का या जो एनिमल किंगडम में जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, दैट इज इनेमल। ये आपको याद रखना है, जो टीथ में ही प्रेजेंट होता है इनेमल, हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑफ द एनिमल किंगडम, उसको हम क्या बोलते हैं, इनेमल, जो कि टीथ पर ही प्रेजेंट होता है कवरिंग के फॉर्म में। तो ये हमने टीथ के बारे में देखा। और डेंटल फार्मूला देख लेते हैं कि टीथ को हम एक फार्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डेंटल फार्मूला। तो डेंटल फार्मूला देखते हैं कि नंबर ऑफ टीथ इन 1/2 ऑफ द अपर जा अपॉन नंबर ऑफ टीथ इन 1/2 ऑफ द लोअर जा इंटू 2। यहाँ 2 आपको दिख नहीं रहा होगा, इंटू 2 इज इक्वल टू 32। नंबर ऑफ टीथ इन 1/2 ऑफ द अपर जा अपान नंबर ऑफ टीथ इन 1/2 ऑफ द लोअर जा, यानी टोटल नंबर ऊपरी जबड़े में, ऊपरी जा में कितने टीथ हैं और निचले जबड़े में या लोअर जा में कितने टीथ हैं। तो आपको पता है 32 होते हैं तो 16 अपॉन 16 हो जाए, 8 अपॉन 8 हो जाएगा। तो इसको हम बहुत इजी वे में देखते हैं, सपोज दिस इज अ अपर जा, दिस इज अ लोअर जा एंड दिस इज अ अपर जा। तो अपर जा के हाफ पोर्शन में कितने होते हैं, 8, एंड हाफ पोर्शन में कितने होते हैं, 8। लोअर जा के हाफ पोर्शन में कितने होते हैं, 8, और हाफ पोर्शन में कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो हम इसको इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम देख देते हैं इंसाइजर कितने होते हैं, टोटल इंसाइजर
ह्यूमन बीइंग में कितने होते हैं? 8 होते हैं, ये भी ध्यान रखना। कैनाइन कितने होते हैं? 4 होते हैं। प्लीमोलर कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो कितने हो गए टोटल टीथ? 24। और फिर मोलर कितने होते हैं? ये 20 हो गए, 20 और 8। तो मोलर कितने होंगे? 8 होंगे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो नंबर ऑफ टीथ कितने हो गए? 32 ह्यूमन बीइंग में। फार्मूला हमने देखा था, अब यहाँ देखिए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई ह्यूमन बीइंग का जो डेंटल फार्मूला होता है 21 23 upon 21 23 into 2 = 32। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई, आई मीन्स इंसाइजर, कितने होते हैं? 2 upon 2, टोटल कितने हो गए? 4। फिर कैनाइन 1 upon 1, तो टोटल कैनाइन कितने हो गए? यहाँ हमने बताया था 8 होते हैं, तो 2 हाफ जा में 2 तो 2 2 4 तो 8 हो गए। यहाँ पर कितने हो गए? 4। एंड प्रीमोलर कितने होते हैं? यहाँ ध्यान रखिए प्रीमोलर 2 upon 2, तो ये भी कितने हो गए? 8 हो गए। तो यहाँ ध्यान रखना प्रीमोलर 8 होते हैं और मोलर कितने होते हैं? दैट इज 3 upon 3। इनके नंबर कितने होते हैं? 12 होते हैं। इसको करेक्ट कर लेना कि मोलर 12 होते हैं, प्रीमोलर 8 होते हैं। ये डेंटल फार्मूला एडल्ट ह्यूमन बीइंग का होता है। और चाइल्ड ह्यूमन बीइंग का डेंटल फार्मूला क्या होता है? मोलर होते हैं 2 upon 2 और कैनाइन 1 upon 1। प्री मोलर क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, तो इसको हम 0 upon 0 लिख देते हैं। फिर उसी हिसाब से जो है सीक्वेंस चलता है। तो ये फार्मूला हो गया डेंटल फार्मूला। इसके बाद हम टीथ के बारे में स्टूडेंट हमने पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट पोर्शन है ओरल कैविटी का, दैट इज पैलेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ओरल कैविटी का, क्योंकि ये नेजोफैरिंग्स और ओरोफैरिंग्स को या नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को सेपरेट करता है। और ये इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि च्यूइंग की कैपेसिटी सिर्फ जो ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होती है वो किसके कारण होती है? दैट इज पैलेट का। तो छोटा सा स्ट्रक्चर है लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस इस कई गुना बड़ी है, बहुत ज़्यादा है। पैलेट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, हार्ड पैलेट और दूसरा पार्ट है दैट इज सॉफ्ट पैलेट। दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो हार्ड पैलेट है ये बोन्स का बना होता है, पैलेटाइन बोन्स का बना होता है, जो इनको पैलेटाइन बोन्स का, और इन पर कुछ जो है रिजेस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम पैलेटाइन रिजेस बोलते हैं। ये फूड को ग्रिप प्रोवाइड करने में बहुत हेल्प करती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द ओरल कैविटी एंड इट्स पार्ट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज फेरिंग्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो नेक्स्ट पोर्शन है वो क्या है? फेरिंग्स है। तो फेरिंग्स स्टूडेंट्स आपको पता जो ओरल कैविटी है उसके जस्ट पोस्टीरियर जो पोर्शन होता है उसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। द माउथ लीड्स टू अ फनल शेप्ड फेरिंग्स। तो इसका शेप कैसा होता है आपको यहाँ पर ही ध्यान रखना है, किस शेप की होती है? दैट इज फनल शेप्ड, व्हिच कम्युनिकेट्स विद अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब लाइक ईसोफेगस। और ये ईसोफेगस से कम्युनिकेट करती है, ईसोफेगस से ज्वाइंट होती है। फूड फेरिंग्स के थ्रू होता हुआ कहाँ पर जाता है? ईसोफेगस में, जहाँ बेबी कॉन्ट्रेक्शन होते हैं जिसको हम पेरिस्टाइलिसिस कहते हैं, वहाँ से फूड मूव करके स्टमक में पहुँच जाता है। लेकिन पहले ईसोफेगस में जाने से पहले हम फेरिंग्स के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। फेरिंग्स को हम फर्दर तीन और पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज नेजोफेरिंग्स, ये पहला पोर्शन हो गया। दूसरा पोर्शन ओरोफेरिंग्स, जो ओरल कैविटी और फेरिंग्स का पोर्शन होता है उसको हम ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। थर्ड
फोर्सन होता है लेरिंजो या लेरिंगो फेरिंग्स, ये तीन पोर्शन होते हैं फेरिंग्स के, याद रखना नेजो फेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स एंड लेरिंजो फेरिंग्स। ओरो फेरिंग्स और लेरिंगो फेरिंग्स जो लाइंड होते हैं नहीं, इट इज़ सराउंडेड बाय, इट इज़ लाइंड बाय, इट इज़ गार्डेड बाय मॉइस्ट स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। मॉइस्ट, ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। और ये जो नेजोफेरिंग्स पोर्शन है ये किससे सराउंड होता है, किससे गार्डेड होता है, दैट इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथीलियम। याद रखिए स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथीलियम। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इसका डिस्कस किया, तीन पार्ट हैं इसके, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स से दो अपर्चर ओपन होते हैं, इसको हम देख लेते हैं, दो अपर्चर ओपन होते हैं। सपोज फेरिंग्स के जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है, ये भी एक चीज ध्यान रखना, इट इज ए कॉमन पैसेज, इट इज ए कॉमन पैसेज ऑफ द ओरल कैविटी एज वेल एज नेजल कैविटी, यानी फूड का भी पैसेज फेरिंग्स होता है और नेजल पैसेज जिससे एयर जो विंड है वो विंड पाइप के थ्रू होते हुए लंग्स तक जाती है, उसका भी कॉमन पोर्शन होता है, फेरिंग्स ही होता है, ये आप लोग ध्यान रखिए। तो दो अपर्चर इसमें होते हैं, सपोज दिस इज अ फूड पाइप, फूड पाइप किसको हम बोलते हैं, दैट इज ईसोफेगस, ये फूड पाइप का अपर्चर है जिसको हम गलेट बोलते हैं या गुलेट कह सकते हैं, गलेट। और ये लेरिंग्स है या विंड पाइप है, इसको हम विंड पाइप या ट्रेकिया भी कह सकते हैं, विंड पाइप। इसका जो अपर्चर होता है उसको हम ग्लॉटिस कहते हैं, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, दैट इज ग्लॉटिस। और ये एक कार्टिलेजिनस फ्लैप से कवर्ड होता है ग्लॉटिस, उसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। तो ध्यान रखिए आप, विंड पाइप इज गार्डेड बाय एपिग्लॉटिस, ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो गुलेट जो कि फूड पाइप, ईसोफेगस का अपर्चर है, और ग्लॉटिस जो कि विंड पाइप या ट्रेकिया का अपर्चर है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो ये हमने फेरिंग्स के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हम जो पोर्शन है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पोर्शन है, दैट इज ईसोफेगस। तो देखिए इसकी लेंथ कितनी होती है, यहाँ पर दिया है 22-25, एवरेज लेंथ इसकी कितनी होती है, 22-25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, नैरो मस्कुलर है, मसल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इससे फूड क्या होता है, पास हो जाता है, कहाँ से, ओरल कैविटी से स्टमक में। तो ये जंक्शन भी होता है स्टमक और ईसोफेगस के बीच को, हम जो जंक्शन होता है, जो स्फिंक्टर होता है उसको हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो ईसोफेगस है इसमें जो म्यूकोसा जो लेयर होती है, जो वो क्या होती है, इसमें अब्सेंट होती है, लेकिन इसमें जो है म्यूकस का सिक्रीशन होता है, यह ध्यान रखिए। ईसोफेगस का काम क्या होता है, म्यूकस सिक्रीट करना, जिससे फूड कैसा हो जाता है, स्टिकी नेचर का हो जाता है, स्टिकी नेचर का हो जाता है और आसानी से स्टमक में पास हो जाता है। तो ये जो है फूड का पैसेज प्रोवाइड कर, फूड को रास्ता देने में काम आता है। और इसमें जो है वेवी कॉन्ट्रेक्शन होते रहते हैं, वेव लाइक कॉन्ट्रेक्शन होते रहते हैं, रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, जिनको हम पेरिस्टाइलसिस कहते हैं। ऐसे कॉन्ट्रेक्शन को, ऐसे मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाइलसिस मूवमेंट कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, रिदमिक मूवमेंट ऑफ द ईसोफेगस, जिसके थ्रू फूड क्या होता है, स्टमक में पास हो जाता है, ये ध्यान रखिए। तो इसके बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पोर्शन है, दैट इज स्टमक, जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, एब्डोमेन कैविटी के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, डायाफ्राम के नीचे
ठीक नीचे लेफ्ट साइड में एब्डोमिनल कैविटी में स्टमक प्रेजेंट होता है, सबसे फैला हुआ सबसे ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखिए। और कैसा शेप्ड होता है इसका? जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इसमें कुछ फोल्ड पाए जाते हैं, कुछ रगी पाए जाते हैं जिसको हम गैस्ट्रिक रगी कहते हैं, ध्यान रखिए। जो सर्कुलर फोल्ड पाए जाते हैं इसमें, जो रगी पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं गैस्ट्रिक रगी। इसमें जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं उनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, ध्यान रखिए, जो कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करती हैं। तो स्टमक में कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करती हैं और म्यूकस का सिक्रीशन भी होता है स्टमक में। और इन दोनों को कंट्रोल कि गैस्ट्रिक जूस कितना सिक्रीट होना चाहिए, म्यूकस कितना सिक्रीट होना चाहिए, एक हार्मोन होता है दैट इज गैस्ट्रिन। तो ध्यान रखना स्टमक की वाल से एक हार्मोन भी प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, गैस्ट्रिन हार्मोन। तो देखिए, द स्टमक इज अ लार्ज मस्कुलर जे शेप्ड स्ट्रक्चर इज ऑक्युपाइड द लेफ्ट साइड ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो हमने बताया गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, यहाँ पर फूड में जो प्रोटीन होती उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है तो इसमें एंजाइम भी प्रेजेंट होंगे, क्योंकि डाइजेशन में हेल्प कौन करता है? एंजाइम। तो स्टमक में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं दैट इज पेप्सिन एंड रेनिन, ध्यान रखिए, जो एंजाइम होते हैं दैट इज पेप्सिन एंड रेनिन। और फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने का काम भी स्टमक करता है। जो एलिमेंट्री कैनाल है, सिर्फ स्टमक में ही मीडियम कैसा होता है? एसिडिक होता है, ध्यान रखिए। बाकी सलाइवा का स्लाइटली एसिडिक होता है, लेकिन स्टमक में बहुत हार्ड एसिडिक होता है, क्योंकि इसमें से HCl सिक्रीट होता है, इसमें HCl प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका pH कितना हो जाता है? 1.5। इसका pH कितना होता है? 1.2 to 1.5 तक इसका pH होता है। तो pH भी पूछ लेते हैं स्टमक का। तो स्टमक की वाल इस एसिडिक सिक्रीशन से डैमेज ना हो जाए, इसके लिए म्यूकस की बहुत थिक लाइनिंग यहाँ पर प्रेजेंट होती है। म्यूकस में जिसमें कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट भी इसमें हेल्प करते हैं उसको बचाने के लिए, उसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए। तो स्टमक के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम का जो अगला पोर्शन है, नेक्स्ट पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको फर्दर हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ड्यूडेनम सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जेजुनम एंड इलियम। तो जेजुनम और इलियम हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं और इसकी जो लेंथ होती है तो अप्रॉक्सीमेटली, नेक्स्ट पार्ट में पहले मूव करते हैं, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फर्स्ट पोर्शन होता है ड्यूडेनम, इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है? सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। और ये कॉमन डक्ट को रिसीव करती है, कहाँ से? लीवर से और पैंक्रियाज की कॉमन डक्ट को, जिसको हम हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट करते हैं। इट रिसीव्स हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पैंक्रियाटिक डक्ट। तो जो लीवर की डक्ट होते हैं उसको हम हिपैटिक डक्ट कहते हैं, जो पैंक्रियाज की डक्ट होती है उसको हम पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। जब ये दोनों फ्यूज हो जाती हैं और एक कॉमन डक्ट बना लेती हैं उसको हम हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। एक और डक्ट होती है जिसको हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं, जो गाल ब्लेडर से अटैच होती है। ये पहले लीवर और गाल ब्लेडर की डक्ट जो है फ्यूज होकर के कॉमन डक्ट बना लेती है, जिसको हम हिपैटिक डक्ट कहते हैं। और देखिए, लीवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस। और पैंक्रियाज क्या सिक्रीट करता है? पैंक्रियाटिक जूस, जो कि दोनों एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करते हैं ड्यूडेनम को। तो यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ का पीएच कितना होता है? 8 to 8.5 पीएच होता है, यानी एल्कलाइन मीडियम होता है ड्यूडेनम का। और यहाँ पर जो स्फिक्टर प्रेजेंट होता है जो कि कंट्रोल करता है कितना सिक्रीशन आना चाहिए, उसको हम बोलते हैं स्फिक्टर ऑफ ओडाई। ये ध्यान रखनी है, ड्यूडेनम के पास जो स्फिक्टर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्फिक्टर ऑफ ओडाई। जैसे हमने स्टमक पढ़ा था, स्टमक में भी स्फिक्टर प्रेजेंट होता है जो कि फूड को बैक फ्लो करने से रोकता है, इट प्रिवेंट फूड टू बैक फ्लो। तो वो पोर्शन
कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ईसोफेगस और स्टमक के बीच, उसको हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। यहाँ पर याद आ गया तो हम इसका डिस्कशन करते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं ईसोफेगस और स्टमक के बीच का जो स्फिंक्टर होता है उसको हम कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं, और जो लास्ट का स्टमक और जो ड्यूडेनम के बीच का जो स्फिंक्टर होता है उसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। ये ध्यान रखिए, उसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ड्यूडेनम और पाइलोरिक पोर्शन ऑफ द स्टमक। और जो इसके बाद ड्यूडेनम के बाद जेजुनम होता है पोर्शन, क्योंकि हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है, और जेजुनम के बाद इलियम होता है। यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पर बहुत सारे सर्कुलर फोल्ड्स भी मिलते हैं, और उन सर्कुलर फोल्ड को हम प्लीकी सर्कुलेरिस बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्लीकी सर्कुलेरिस, ये ध्यान रखिए, या वाल्व ऑफ करकरिंग भी कहते हैं उनको, वाल्व ऑफ करकरिंग, ये ध्यान रखिए, वाल्व ऑफ करकरिंग भी इनको कहा जाता है, या उनको हम प्लीकी सर्कुलेरिस भी कहते हैं। और इसी के अंदर, इसी में डेडुनम में ही क्या प्रेजेंट होते हैं, विलाई प्रेजेंट होते हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस है उसको लार्ज करते हैं। जो एब्जॉर्प्शन की सरफेस को इंक्रीज करने का काम कौन करता है, विलाई, और विलाई की ही सरफेस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, उससे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम माइक्रो विलाई कहते हैं, और ये क्या करते हैं, सरफेस को लार्ज करते हैं, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, ये ध्यान रखिए। और विलाई के बीच में, विलाई की जो वाल्व उनके बीच में जो ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं उनको हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहते हैं, या क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन भी कहते हैं, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन। और ये किसका सिक्रीशन करते हैं, दैट इज सकस एंटेरिकस, किसका सिक्रीशन होता है, इससे सकस एंटेरिकस का सिक्रीशन होता है। और इन सबको कंट्रोल करने का काम एक हार्मोन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिक्रेटिन हार्मोन। वो हार्मोन याद रखिए आप लोग, कौन सा हार्मोन होता है, दैट इज सिक्रेटिन हार्मोन, उस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, सिक्रेटिन हार्मोन। तो ये आप लोग ध्यान रखें। विलाई में जो लिम्फेटिक लिम्फ कैपिलरीज होती हैं उनको हम लैक्टियल कहते हैं, जो कि डाइजेस्टिव फैट को एब्जॉर्ब करती हैं। तो लिम्फ कैपिलरी कौन सी विलाई में होती हैं, लैक्टियल, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका काम क्या होता है, डाइजेस्टेड फैट को एब्जॉर्ब करना, डाइजेस्टिव फैट को कौन एब्जॉर्ब करता है, लैक्टियर एब्जॉर्ब। और इलियम, इलियम में एक लेयर होती है जिसको हम सब म्यूकोसा लेयर बोलते हैं, उस लेयर से जो है कुछ ग्लैंड निकलती हैं, कुछ पैचेस लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं जिनको हम पियर पैचेस कहते हैं, ये याद रखिए, उन पैचेस को हम क्या बोलते हैं, पियर पैचेस बोलते हैं। पियर पैचेस ये क्या होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, इसलिए किसका सिक्रीशन करते हैं, लिम्फोसाइट्स का सिक्रीशन करते हैं। और लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है, आपको पता है, एंटीबॉडी होती है, ये क्या करते हैं, जो इन्फेक्शंस होता है तो उससे स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो कौन सी चीज़ें सिक्रीट होती हैं, लिम्फोसाइट सिक्रीट होता है इससे, जो कि इन्फेक्शन से बचाता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या स्टार्ट होता है, नेक्स्ट पोर्शन डाइजेस्टिव सिस्टम का, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्दर सीकम कोलोन एंड रेक्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी थी, 6.25 मीटर, या फिर हम इसको 6.5 मीटर लॉन्ग भी कहते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो कितनी होती है, 1.5 मीटर। तो फिर इसको लार्ज क्यों कहते हैं, क्योंकि हम डायामीटर के अकॉर्डिंग इसको हम कंपेयर करते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, इसलिए इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन करते हैं। इसको हम फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सीकम कोलोन एंड रेक्टम। तो द इलियम ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, तो इलियम और सीकम के बीच एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम इलियोसीकल वाल्व कहते हैं। ध्यान रखिए,
सीकम और ईलियम के बीच जो वाल्व प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलियोसिकल वाल्व। और ये जो सीकम है ये जो है बहुत ही ब्रॉड स्ट्रक्चर है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट और स्ट्रक्चर इससे अटैच होता है, दैट इज अपेंडिक्स। उसको क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि ह्यूमन बीइंग में कैसा होता है, वेस्टिजियल होता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है, इसलिए इसका काम नहीं रह जाता है, इसलिए धीरे धीरे कैसा हो गया, वेस्टिजियल हो गया। लेकिन इसका नाम आपको याद रखना है, वो कौन सा पोर्शन है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो जो रोमेंथी एनिमल्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वेल डेवलप्ड होता है, ये ध्यान रखिए। इसके बाद कोलोन है, जो कोलोन स्ट्रक्चर होता है ये भी लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है दैट इज रेक्टम, जो कि अनल कैनाल में ओपन होता है, एंड अनल कैनाल इज ओपन इनटू अनस, और अनस के पास में दो टाइप की जो है मसल्स प्रेजेंट होती हैं, एक्सटर्नल मसल्स एंड इंटरनल मसल्स। इंटरनल मसल्स इनवॉलेंट्री होती हैं, ये ध्यान रखिए, रेक्टम में जो इंटरनल मसल्स होती हैं वो इनवॉलेंट्री होती हैं, और जो एक्सटर्नल मसल्स होती हैं वो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन।